हरिंदर कुमार जी ने सवाल पूछा है, मैम ओसीडी का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बड़ा अच्छा डिसऑर्डर होता है। मतलब हम सभी को ये थोड़ा बहुत डिसऑर्डर रहता है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी चीज के ऊपर सोचने की प्रक्रिया को बंद नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में ताला लगाया और आपने लाइट बंद करी, ताला लगाया, गैस का बर्नर आपने बंद किया, सब कुछ बंद करके आप लेट गए। लेटने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको दिमाग में उठेगा, मैंने बंद किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, मन में आपको डाउट लगा रहेगा। और ये डाउट इतना स्ट्रांग होगा कि आपको अल्टीमेटली उठकर जाना ही पड़ेगा दोबारा चेक करने के लिए। अब ये जो कंडीशन है लगभग हर दूसरे व्यक्ति को मिलती है, ऐसा नहीं है कि एक ही या बहुत ही रेयर डिसीज है, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को मिलती है। अब इसमें अगर आप मॉडर्न वालों के पास जाएंगे तो ट्रीटमेंट बहुत ही अजीब तरीके का ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं जिससे आपके दिमाग की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो हम सोच ही नहीं पाते। सोच नहीं पाते हैं तो फिर ये जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। पर उससे क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो भी प्रभावित होती है। मतलब अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप घर में काम हाउसवाइफ हैं तो आपको अपने घर के काम में दिक्कत महसूस होगी। तो इस तरीके से काफी दिक्कतें महसूस होती है। आयुर्वेद में ओसीडी को प्राणवायु और व्यान वायु की दृष्टि बोला जाता है। हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है उसे प्राणवायु और व्यान वायु आपस में निर्धारित करते हैं। इन दोनों का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो आपका ओसीडी अपने आप खत्म हो जाता है। आप कोई बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडी ट्राई करें, बहुत ही सिंपल सी है। आपको क्या करना है, 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच गाय का घी और 1 चम्मच एरंड तेल, ये डालकर आपको पीना है। एरंड तेल डालना है आपको 1 चम्मच और 1 चम्मच गाय का घी डालना है और 1 ग्लास गर्म दूध के साथ पीना है। ये आप दिन में कभी भी पिए, जब आपको दूध अच्छा लगता है तब आप इसे पिए और लगातार 7 दिन ट्राई करें, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। मतलब इतनी सिंपल, बड़ी डिसीज है लेकिन इतनी सिंपल सी होम रेमेडी से ठीक होती है। तो ये आप ट्राई करें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। जितने सवाल मैंने हाईलाइट किए थे वो सारे सवाल हो चुके हैं और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अगर मैंने आपके सवालों का जवाब नहीं दिया तो आई एम रियली वेरी सॉरी, अगली बार मैं जवाब दूंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सारे सवाल के आगे प्लीज #MyQuestion लगाया करें। उससे क्या होता है वो हाईलाइट हो जाता है तो मुझे ढूंढने में आसानी होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।